हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ टॉपर्स टॉक। इस बार जो है हमारे साथ वो है रजत श्रीवास्तव। इस बार जो टॉपिक है वो है नीटी मुंबई का। अभी जैसे गेट का रिजल्ट आया है और काफ़ी एक नया है ये गेट के थ्रू, क्योंकि जैसे मैक्सिमम लोग क्या एमटेक या टेक्निकल साइड में जाते हैं, नीटी मुंबई एक मैनेजरियल साइड में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअली बताओ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, पर मेरे साथ नॉलेज बांटने के लिए आज जो पर्सन अवेलेबल है वो मेरा दोस्त ही है, रजत श्रीवास्तव। रजत ने भी 2016 में NIT रायपुर से ही पास आउट हुआ है, वो मैकेनिकल में था, और हम दोनों भिलाई से बिलोंग करते हैं, ट्रेन में भी साथ में ट्रेवल करते थे। और अभी रजत नीटी मुंबई से 2019 में पास आउट करके अभी जॉब कर रहे हैं। सो वेलकम रजत, वेलकम टू दिस सेशन। और थैंक यू। कैसे हो तुम? थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। वर्क फ्रॉम होम तो घर पे हैं आराम से। लकी लकी पीपल। और कुछ बताओ रजत अपने बारे में। ये तो मैंने क्या एकदम ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रो दिया, थोड़ा डिटेल्ड इंट्रो किया, हमारे व्यूवर्स जान पाएंगे फिर कि क्या क्या है तुम्हारे बारे में। ओके। सो जैसा कि शिवम ने बताया, आई एम अ 2016 पास आउट फ्रॉम NIT रायपुर मैकेनिकल ब्रांच। उसके बाद फिर आई वर्क इन टाटा मोटर्स फॉर अराउंड एन ईयर। तो तब फिर टाटा मोटर्स में ही रहते ही मैंने दोबारा गेट दिया। तो मैंने फर्स्ट टाइम भी गेट दिया था 2016 में। तब भी मुझे नीटी का कॉल आया था, बट फिर मैंने उस टाइम पे नहीं, मैं नीटी का इंटरव्यू देने नहीं गया क्योंकि एग्ज़ाम्स क्लैश हो गए थे। फिर देन आई ज्वाइन टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स में रहते हुए मैंने फिर गेट दिया। एंड देन लकीली आई गॉट अ कॉल, इंटरव्यू वगैरह हुआ, एंड देन आई गॉट इन टू नीटी। देन नीटी में मैंने 2 साल गुजारे। माई समर इंटर्नशिप वॉज इन यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ओके। एंड देन फाइनल प्लेसमेंट वॉज इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी करेंटली मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर रोल पे हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई में, इन दी हाइड्रोकार्बन डिविजन। दैट इज मेजरली लुक्स आफ्टर दी पेट्रोकेमिकल। ओके। तो ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है कि ऑलमोस्ट 3 कंपनीज के साथ एसोसिएट हुए हो। करेक्ट। हाँ। और नीटी मुंबई का भी एक्सपीरियंस है। तो चलो, मैंने एक्चुअली पोस्ट किया था तुम्हारा नाम लेके कि लाइव आने वाले हो, तो मैंने व्यूवर से एक्चुअली क्वेश्चंस कलेक्ट किए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मेन जो हम जिनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग वीडियो देखने वाले हैं, तो मैं चाहता था कि उनकी क्वेरीज ही डायरेक्ट तुम तक पहुँचे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे, उनमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, तो एक एक करके चलो उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डज ड्रॉप ऑफ 2 to 3 ईयर्स आफ्टर गेट अफेक्ट नीटी एडमिशन इफ समवन इज प्रिपेयरिंग विदाउट जॉब? इट्स ऑल सब्जेक्टिव शिवम, कि अगर इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई कि तुमने ड्रॉप क्यों लिया, तो देन इट डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, आई नो फ्रेंड्स जिन्होंने 2-3 साल का ड्रॉप लिया था, एंड उन्होंने जो ड्रॉप लिया था से IAS की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो IAS की प्रिपरेशन आई थिंक बहुत टायरिंग होती है, लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने ड्रॉप लिया एंड फिर नहीं हुआ उनका IAS में, एंड देन दे गेव गेट ऑल्सो। फिर नीटी में उनका इंटरव्यू वगैरह हुआ, बट दे वर एबल टू जस्टिफाई कि उन्होंने ड्रॉप क्यों लिया और कैसे लिया, और उस ड्रॉप को उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या कुछ नया वैल्यू गेन किया कि नहीं किया। तो वैसे टाइप का, तो अगर आप अपने ड्रॉप को जस्टिफाई कर पाते हैं इंटरव्यूअर के सामने, तो देन इट डजंट मैटर, यू विल गेट थ्रू नीटी एडमिशंस एंड यू विल पास। ऐसा है क्योंकि और हाँ, तो और उसके बाद फिर वो ड्रॉप को वही सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर प्लेसमेंट्स आल्सो, कि अगर आप ड्रॉप, तो अल्टीमेटली द ट्रस्ट इज कि आप ड्रॉप को जस्टिफाई कर लो। हाँ, मतलब ये पता चलना चाहिए कि यार अगर कोई बंदा कंटिन्यू नहीं किया या फ्रेशर एज अ ज्वाइन नहीं किया, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसका एक्सपीरियंस में या उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई। ऐसा नहीं कि वही चीज़ करते रहे। इवन मैं भी बिलीव करता हूँ कि इवन एक स्ट्रगल फेज भी है। Correct. अगर जैसे मैं भी इंटरव्यूअर होता, कोई 2 या 3 साल ड्रॉप लिया है, स्ट्रगल किया है, उसका भी एक अलग वैल्यू है, क्योंकि कोई आदमी स्ट्रगल जानता है तो उसकी भी एक अलग इम्पोर्टेंस है वो लाइफ में, तो वैसे जस्टिफाई करना। करेक्ट। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपने वो 2 साल, जब अपनी 2 साल लगाए हैं उसमें, तो आपने उस 2 साल में क्या क्या किया है, कुछ वैल्यू एडिशन किया है आपने अपने ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आए हैं, कैसे उस 2 साल ने आपको इफेक्ट किया है। तो ये सब अगर आप अपने इंटरव्यू को अच्छे से अगर आप समझा पाते हैं, तो आई थिंक देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा और आपको नीटी में एडमिशन आराम से मिल सकता है।
ऑब्वियसली देर इज ठीक है अ चलिए। डिसएडवांटेज, क्योंकि देर विल बी मल्टीपल पीपल जिन्होंने सिंगल ड्रॉप या फिर नहीं ड्रॉप लेके आए हैं बिल्कुल भी, बट वो एक रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने आपको जस्टिफाई कर दिया है तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। हाँ ओके ओके, तो ये तो चलो गुड न्यूज़ है कि ऐसा कोई किसी का मतलब ऐसा है कि डिसाइडेड नहीं है कि यार आप अगर कुछ किए नहीं तो आप बाहर हो, सिलेक्शन के काफ़ी डिसेंट चांसेस है। करेक्ट करेक्ट, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मैं मेरे साथ मेरे ब्रांच में मेरे बैच में जब ज्वाइन किया था लोगों ने, तो मेरे साथ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 2 साल ड्रॉप किया है फ्रेशर, 1 साल ड्रॉप किया है फ्रेशर, तो और वो मेरे साथ थे और अभी वो काफ़ी अच्छी कंपनी में प्लेस है, तो इन ऑल इट डजेंट मैटर। चलो सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई ज्वाइन नीटी विदाउट वर्क एक्सपीरियंस विल इट बी अ हर्डल ड्यूरिंग प्लेसमेंट? नहीं, सो नीटी में देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट कम फॉर प्लेसमेंट्स, तो जैसे अगर कंसल्टिंग कंपनीज हैं तो हर एक कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि उन्हें वर्क एक्स वाले चाहिए, उन्हें फ्रेशर्स चाहिए, या उन्हें वर्क एक्स चाहिए लेकिन ज़्यादा वर्क एक्स नहीं चाहिए, ऐसा। तो हर एक कंपनी का अपना एक सेट लिमिट होता है, अपने हिसाब से वो आते हैं, अपने एक माइंडसेट से आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसल्टिंग कंपनीज देखेंगे तो डेलॉइट हो गई या PRTM हो गई, इन सबको वर्क एक्स वाले बंदे ही चाहिए रहते हैं, तो वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही रखते हैं कि 2 साल अबव ऐसा। लेकिन अगर फिर सपोज कुछ कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये FMCG कंपनीज होती हैं जैसे यूनिलीवर, PNG वगैरह, तो ये सब जो बड़ी कंपनीज हैं इनको वर्क एक्स वाले ज़्यादा पसंद नहीं, तो इनको एज अ जो फ्रेशर काम करके आए हैं, जो फ्रेशर आए हैं या जिनका हार्डली से 10-15 महीने का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल मेरा भी 10 महीने का एक्सपीरियंस था, तो इट इन एंड ऑल इट डजेंट काउंट वेरी मच। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नीटी में ऐसा फ्रेशर आए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर कंपनी का एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आपका प्लेसमेंट आसानी से हो जाएगा। ओके ओके, और ये जैसे बताया कि इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के लिए जो भी, उसके बाद क्या प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिलता है? मिलता है, मिलते हैं करेक्ट, लोगों को ऑफर? हाँ मिलता है, मिलता है। मिलता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हर एक कंपनी का इंटरव्यू होने के बाद, मतलब सॉरी इंटर्नशिप होने के बाद, उन्हें डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी डायरेक्ट PPO रोल आउट करते हैं, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर या प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज रोल आउट हाँ करते हैं। जब इंटरव्यूज रोल आउट करने के बाद, फिर ओ इंटरव्यू के बाद फिर उसका एक बार इंटरव्यू होता है कंपनी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे PPI हाँ ऑफर हुआ था यूनिलीवर से, हम छः ओके में से पाँच, मतलब 5 लोगों को PPI ऑफर हुआ था, बट देन उसमें PPI में फिर 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। सो होता है लोगों ओके को, ओके डायरेक्ट PPO भी ऑफर होते हैं और PPI ऑफर होते हैं। ओके ओके। वॉट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर पीपल विथ एवरेज रैंक लाइक नियर 2000? सो इफ़ यू आर पर्टिकुलर अबाउट नीटी, तो जैसे अभी तो नीटी में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, इफ़ आई टू बी हाँ वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले लोगों को नीटी के बारे में उतना पता नहीं था जब हम लोग पढ़ते थे, नहीं था। नहीं था। तो अभी मतलब अगर मैं देखूँ तो पिछले 3-4 साल में ही नीटी का क्रेज़ काफ़ी बढ़ा है और अच्छा खासा बढ़ा, तो इसलिए अब लोगों को पता है, तो इसलिए कॉम्पिटिशन भी काफ़ी बढ़ गया है। तो जैसे अगर नीटी में जो मेरी पहली रैंक जब मैंने गेट 2016 में दिया था, तब मेरी रैंक अप्रॉक्सीमेटली 2000 थी, अप्रॉक्सीमेटली टू थाउजेंड ओके नाइनटीन ट्वेंटी एट के आसपास थी मेरी रैंक, 1928 टू बी वेरी हाँ प्रिसाइज। और जब हाँ मैंने सेकेंड टाइम गेट दिया था तो इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1300, तो 1200 समथिंग ओके कुछ रैंक ओके थी मेरी, क्लोजर टू 1300। हाँ हाँ तो अगर मैं पिछले स्कोर से ही अगर मैं नीटी पे एडमिशन लेने की कोशिश करता तब मुझे नीटी का कॉल हाँ नहीं हाँ आता, ऐसा था, ओके हाँ क्योंकि मैंने 2017 में फिर से गेट दिया था, मेरी रैंक सुधरी थी इसलिए मुझे नीटी का कॉल आया था। हाँ तो मेरी हाँ मेरा हाँ गेट स्कोर था वॉज अप्रॉक्सीमेटली 756, 756 वॉज माई गेट ओके स्कोर, सेवन फिफ्टी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वन ऑफ द लास्ट कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू का कॉल आया था, ऐसा था। ओके ओके और ये मैं बात कर रहा हूँ हाँ 2017 की, ठीक है। तो सेवेंटी अभी तो अगर आप एज अ जनरल कैंडिडेट अगर आप देखें तो आपको गेट स्कोर अगर क्या बोलते हैं एक सेफ कंफर्टेबल साइड में अगर आपको चाहिए तो 800 के आसपास होनी चाहिए, मतलब क्योंकि नीटी में रैंक डजेंट ओके मैटर, ओके क्योंकि देर आर नीटी सभी के हाँ लिए ओपन है, आप टेक्सटाइल से भी आते हैं, मैकेनिकल समझ भी, रहे हाँ इलेक्ट्रिकल, हाँ तो हाँ नॉर्मलाइज करने के लिए वो हाँ रैंक नहीं देखते, वो गेट स्कोर देखते हैं। तो गेट एक स्क्वायर कंफर्टेबल पोजीशन अगर आपको चाहिए तो 800 गेट स्कोर के आसपास आपका आना चाहिए। अब वो आप अपनी अपने ब्रांच के हिसाब से रैंक में कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी रैंक उसके लिए चाहिए, तो उतना मोटा मोटा ओके ओके हिसाब एक पकड़ के चल सकते हैं आप। ओके। और जैसे नीटी का कॉल बोल रहे हैं, तो कॉल मतलब क्या ब्रांच स्पेसिफिक आता है? जैसे IITs में जितना मेरे को आइडिया है, IITs में क्या आप एक ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं फिर उसके ब्रांच वाइज कॉल आता है,
नीट में क्या एज अ होल कॉल आता है, फिर आपको ब्रांचेज ऑफर होती है, या आप ब्रांचेज अप्लाई करते फिर वो ब्रांच के हिसाब से अलग अलग लोगों को इसका क्राइटेरिया दे के कॉल किया जाता है टॉप मोस्ट लोगों को। हाँ, तो नीति में पहले ऐसा था कि लास्ट ईयर तक 3 ब्रांचेस थी जो गेट के स्कोर पे लेती थी, PGDI पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फिर PGDMM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, और PGDPM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जब आप नीति का के लिए अप्लाई करते थे तो आपको तीनों के लिए इंडिविजुअल अप्लाई करना पड़ता था, ऐसा था। तो आपके ऊपर था कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आई वॉज दी मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच क्योंकि वो मोर देन 60 ईयर्स उसका हो चुका है कंटिन्यूएशन, एंड MM and PM वर न्यू ब्रांचेस, रिलेटिवली न्यू ब्रांचेस, जिसका अभी 7th ब्रांच चल रहा होगा, आई थिंक अभी 7th या 8th बैच चल रहा होगा, तो वो कुछ नई ब्रांचेस थी। तो पहले तो आपको तीनों ब्रांचेस में इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ता था, एक एक का एप्लीकेशन फीस देके आप इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं। लेकिन इस साल से क्या किया नीति ने, इस साल से नीति ने PGDMM और PM को हटा दिया। तो अब नीति में थ्रू गेट देर इज जस्ट वन ऑप्शन, आप PGDI पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सीट्स बढ़ गई हैं उसकी, मतलब दोनों ब्रांचेस की सीट्स को क्लब करके आई में ला दिया उन्होंने, तो आपको एक ही बार अप्लाई करना है और सिर्फ आई के लिए। MM and PM अब इस साल से डिसकंटिन्यू हो गया नीति में। डिसकंटिन्यू मतलब वो ब्रांच ही हटा दी, ब्रांच ही हटा दिया है, करेक्ट। तो अप्रॉक्स कितनी सीट होती होगी हर ईयर? जब मैं था तो 120 सीट्स आई में थी एंड 40-40 MM and PM में थी, तो अभी इन दोनों को क्लब करके साथ में ले आए तो आई थिंक 200 के आसपास होनी चाहिए सीट्स। मतलब ऐसा बोला जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए रफली तो सीट्स कम नहीं हुई है, बस सीट्स शिफ्ट हो गई, ऐसा है। ब्रांच डिसकंटिन्यू होगा, सीट्स शिफ्ट हो गए, हाँ। तो ऐसी कोई बुरी खबर नहीं है कि ब्रांच हट गई तो कंपटीशन और ज्यादा हो गया वैसा। हाँ, वैसी बुरी खबर नहीं है, सीट्स पे ही है, सीट सेम है, बस वही ब्रांच डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एंड अप टू व्हाट रैंक कैन वन गेट सिलेक्टेड? ओके, सो अप टू व्हाट रैंक, पहले मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर करता हूं। तो एक बार अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया तो फिर टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। जैसे मेरी रैंक थी 1300 गेट स्कोर जब मैंने दिया था, एंड मेरे साथ एक मेरे एक दोस्त की और रैंक थी 300 अप्रॉक्सीमेटली। तो जब नीटी का जब फाइनल रिजल्ट आया तो आई वॉज सिलेक्टेड एंड ही वॉज नॉट। तो इसलिए अगर आपको एक बार सिलेक्शन हो गया तो देन उसके बाद, क्योंकि जो गेट नीटी जब कॉल करता है ना, वो जिस का जो भी कट ऑफ वो क्लियर करता है उसके बाद इट डजंट मैटर कि आपकी रैंक क्या थी। ऐसा है, उसके बाद आपका टोटली आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उस पर डिपेंड करता है, और आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपका GD कैसा गया उस पर। ऑफकोर्स देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज वेटेज जो आपकी गेट रैंक को दिया जाता है, बट नीटी कभी ये डिस्क्लोज नहीं करता वो, क्योंकि वो कितना परसेंटेज किस चीज़ को दे रहा है, मतलब वो कितना परसेंटेज गेट स्कोर को दे रहा है, कितना आपकी GD को दे रहा है, कितना PI को दे रहा है, या कितना आपकी क्रेडेंशियल्स को दे रहा है। बट जितना एक्सपीरियंस मेरा रहा है, नीटी मोस्टली अपना जो वेटेज है वो कैसा आपका GD PI और कैसे आपके पास रिकॉर्ड रहे हैं, मतलब आपका 10th 12th या BTEC आपने किस कॉलेज से किया है, से अगर आप NIT या IIT से हैं तो ऑब्वियसली आपको एक बेटर अपर एज मिलेगा, तो वैसा है। और तो ये तो हुई बात कि अगर आप मतलब कितने रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन का, तो ये तो आप पे है। सेकंड, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो नीटी का जब आपको कॉल आता है तो दो राउंड्स हैं, एक तो GD एंड सेकंड इज PI। तो वो पहला GD एंड देन PI, तो GD इज नॉन एलिमिनेटेड, तो आपको एलिमिनेट नहीं किया जाता GD में, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। करीब अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 लोग रहते हैं GD में, एंड GD का टॉपिक बहुत ही रैंडम रहता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो फिर वो एक करेंट टॉपिक पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब मैं था तो उस टाइम पे मेक इन इंडिया था, सो मेक इन इंडिया तो मेरा GD का टॉपिक था वेदर, मतलब डिस्कस अबाउट मेक इन इंडिया, वेदर इट इज गुड और बैड फॉर इंडिया, ऐसा। तो एक ये टॉपिक हो गया, तो ये करेंट टॉपिक्स पे हो गए GD के टॉपिक्स। और कुछ होते हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल रेड वर्सेस ब्लू, जीरो पॉइंट, ऐसा कुछ भी, मतलब आप रैंडम कुछ इमेजिन करो और वैसा।
तो कुछ वैसे टॉपिक्स हो जाते हैं, तो जिसमें आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, आपको अपनी इमेजिनेशन दिखानी है और आपको कुछ भी बोलना है, ऐसा है। तो जीडी में जनरली एक सेट रूल ये होता है कि आप एकदम फिश मार्केट मत बनाओ, थोड़ा लीड लो, जीडी स्टार्ट करो और करीब 5-6 एंट्री लो और 30-40 सेकेंड की अच्छी एंट्रीज लो, बिना हेजिटेट किए, बिना रुके, बीच में कोई आपको काटे ना, ऐसा। तो देन जीडी वुड बी आपका आसानी से निकल जाएगा। एंड देन सेकेंड तो इंटरव्यू है, जीडी नॉन एलिमिनेटेड होता है, फिर सेकेंड इंटरव्यू। और इंटरव्यू में फिर आपका डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन बैठा है, कौन से ब्रांच के टीचर्स बैठे हैं वगैरह, लेकिन वो फिर भी नीटी में, जैसे नीटी इज़ फेमस फॉर सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सप्लाई चेन या ऑपरेशंस के बारे में पूछें। वो जनरली आपके रेज्यूमे पे जाते हैं कि आपने अपने रेज्यूमे में क्या लिखा है। तो अगर आप, और आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि सपोज आपका, अगर आपकी मैकेनिकल ब्रांच है तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है मैकेनिकल में, और आप सपोज आपने बोला थर्मोडायनेमिक्स, तो आप पे थर्मोडायनेमिक्स पे एक आध दो क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपने बोला है कि मैं, मेरा थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा फेवरेट है, देन आपको यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई कि जो भी वो क्वेश्चन पूछे। तो वैसा है कि इंटरव्यू इज टोटली ड्रिवन बाय यू कि आप कैसे ड्राइव करते हैं अपने इंटरव्यू को। इट्स नॉट दैट कि वो आपसे सप्लाई चेन या ऑपरेशन के बारे में पूछेंगे, आपने जो भी अपने रेज्यूमे में लिखा है दी पॉइंट इज कि आप उसको जस्टिफाई कर लें जो भी आपने अपने रेज्यूमे में लिखा, ऐसा है। तो देन आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथली जाएगा। ओके ओके ओके। ये इंटरव्यू में हिंदी इंग्लिश इट डजंट मैटर कि लैंग्वेज क्या है। ओके हाँ, ऐसा है। बट ऑब्वियसली क्योंकि नीटी इज अ मैनेजेरियल कॉलेज, तो इंग्लिश को थोड़ा अपर एज मिलता है अगर है तो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको कोई डिसएडवांटेज है, तो आपका इट डजंट मैटर, तो आप दे सकते हैं। बट वही है कि जो भी आपने लिखा है अपने बारे में, उसके बारे में आप कॉन्फिडेंटली अगर अपने को आप जस्टिफाई कर पाएँ तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ऐसा। और ये कैसा प्रोसेस रहता है, सिंगल डे में कंप्लीट हो जाता है? सिंगल डे में, तो टोटल नीति में जितने भी एप्लीकेंट्स आते हैं उनको 3 दिन में डिवाइड करते हैं, और एक दिन में आई थिंक 3 फेस में होता है, मतलब सुबह का एक, दोपहर का एक और शाम का एक, ऐसा टाइप का। तो 3 दिन में पूरे जितने भी एप्लीकेंट्स उनको कवर करना है, ये हर साल ऐसा ही रहता है। तो आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है, सपोज सुबह 10 बजे का, तो आप 10 बजे जाते हो, फिर आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होते हैं, फिर आपके ग्रुप्स बनते हैं, फिर ग्रुप्स बनने के बाद आपका जीडी होता है, जीडी के बाद आपका पीआई, ऐसा। तो वो करीब, और जो इंटरव्यूज लेते हैं वो क्या नीटी के टीचर्स ही बोले? हाँ, तो पहले जब मैं था, जब हमारे टाइम पे थे, तो वो नीटी के टीचर्स थे, और अब नीटी के टीचर्स प्लस नीटी एलुमनाई। ओके, तो पिछले साल से उन्होंने नीटी एलुमनाई को भी लाना चालू किया है अपने इंटरव्यू में, क्योंकि अब नीटी वो एक ब्रांड वैल्यू है, तो अब वो नीटी एलुमनाई बेटर से जज कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए आप नीटी के एलुमनाई भी टीचर्स के साथ दोनों। ओके ओके सही, ऐसा अभी आजकल।